प्रश्न, मैंने नाक के माध्यम से एट्रोफेन की बूंदों का उपयोग किया जिसे मैं 20 से अधिक वर्षों से रोजे की हालत में उपयोग करती आ रही हूं, क्योंकि मुझे सांस लेने में कठिनाई होती है। अब मुझे पता चला है कि उससे रोजा टूट जाता है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? उत्तर, हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह ताला के लिए योग्य है। सर्वप्रथम, यदि नाक की बूंद गले तक नहीं पहुंचती है तो उससे रोजा नहीं टूटता है, लेकिन यदि वो गले तक पहुंच जाती है तो उससे रोजा टूट जाता है। द्वितीय, यदि यह बूंद गले तक पहुंचती है, इस रूप से कि बीमार व्यक्ति अपने गले में इसका स्वाद अनुभव करता है और रमजान के दिन के दौरान वह उसके बिना नहीं रह सकता और उसका कोई उपयुक्त विकल्प नहीं है और उसकी यह बीमारी ऐसी है जिससे ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वह बूढ़े आदमी जो रोजा रखने में असमर्थ है के हुक्म में है, जिसके लिए केवल गरीबों को खाना खिलाना अनिवार्य है, क्योंकि अल्लाह सर्वशक्तिमान का कथन है, وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين, अर्थात और उन लोगों के लिए जो मुश्किल से रोजा रख सकते हैं, एक मिस्कीन अर्थात गरीब व्यक्ति को खाना खिलाना है। इब्ने कुदामा रहमहुल्लाह ने कहा, वह बीमार व्यक्ति जिसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है, वो रोजा नहीं रखेगा और प्रत्येक दिन के बदले एक गरीब व्यक्ति को खाना खिलाएगा, क्योंकि वह बूढ़े आदमी के हुक्म के अंतर्गत आता है। जहां तक उन रोजों का संबंध है जो गुजर चुके हैं, तो अल्लाह की कृपा से आशा की जाती है कि वह आपसे उसे स्वीकार कर लेगा और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, खासकर जब आप उन बूंदों का इस्तेमाल कर रही थी तो आप इस बात से अनभिज्ञ थी कि उनसे रोजा टूट जाता है। फिर यह बात भी है कि स्वयं इस हुक्म के बारे में विद्वानों के बीच मतभेद पाया जाता है। विद्वानों के कथनों में से सही कथन यह है कि जिस व्यक्ति ने रोजा तोड़ने वाली चीजों में से किसी चीज का उपयोग कर लिया, जब वो इस बात को नहीं जानता था कि उससे रोजा टूट जाता है, तो उस पर कोई चीज अनिवार्य नहीं है। हम अल्लाह से प्रश्न करते हैं कि वो आपको तीव्र आरोग्य प्रदान करे, और अल्लाह ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।